सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 21वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, यथा आलोकेन दीपस्य किरणेर भास्करस्य चे ज्ञायते दिग् भागादि तत्सत्या शिवः प्रिय। अर्थात जिस तरह से दीपक और उसकी जो लौ है, उसका जो प्रकाश है, वे भिन्न नहीं होते। सूर्य और सूर्य की किरणें भिन्न नहीं होती, वे स्वयं भी अपने में देखने में समर्थ होते हैं और उसके माध्यम से ही हम उन्हें जान पाते हैं। यानी दीपक की लौ से ही हम दीपक को देख लेते हैं, किसी अन्य चीज से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कमरे में दीपक है तो उसकी लौ से हम दीपक को देख लेंगे और अन्य वस्तुओं को भी देख लेंगे। सूर्य को देख लेंगे, सूर्य की रोशनी से हम अन्य को भी देख लेंगे, सूर्य को भी देख लेंगे। उसी तरह से शक्ति को हम जान करके शक्ति से जो है हम शिव को भी देख लेंगे। ये जो शक्ति है, ये शिव की प्रिया है। तो शिव और शक्ति की अभिन्नता को यहाँ बतलाया जा रहा है और साथ में कुछ भिन्नता का भी संकेत इससे आ रहे हैं। ज्ञान आदि के विषय पर कुछ भिन्नता हो रही है, तो यह प्रकृति जो है वो क्रियात्मक है, लेकिन इस क्रियात्मकता के पीछे कौन सी चेतना है, कौन सी प्रेरणा है? जो प्रेरणा है वह इस प्रकृति से हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है। पार्वती से शिव की ओर, भैरवी से भैरव की ओर ले जाता है। तो तंत्र जो है इस चीज की बतलाता है कि किस तरह से कोई जो बीज जब सृष्टि होती है तो कैसे स्फुरण होता है और वह स्फुरण किस तरह से संकल्प से परम चेतन सत्ता के संकल्प से होता है, जिसको वेदांत में संकल्प कहा जाता है, उसमें तंत्र में स्फुरण कहा जाता है। उस तरह से जब प्रलय का समय आता है, महाप्रलय का, तो कैसे इसका संकुचन हो जाता है, कैसे ये सिमटता हुआ अंत में अव्यक्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और अनिर्वचनीय हो जाता है। यहाँ पर जो पदार्थ हैं, ऊर्जा है, जो स्थान है यानी स्पेस है, जगह जो है वह, और जो समय है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, आयतन है, ये सब जो है सिमट जाते हैं। सिमट के सिमुलरिटी को प्राप्त हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं और वैसी स्थिति में अविभक्त हो जाते हैं और अव्यक्त हो जाते हैं। तो अविभक्त भी होते हैं, अव्यक्त भी होते हैं, यानी इनका विभाजन नहीं हो सकता है। यानी यह जो तत्व है, जो प्रकृति का भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, वह भी अविभाज्य होता है परंतु परिणामी होता है, अर्थात रिएक्शन करता है। तो एक केंद्र मान लें और उसकी परिधि मान लें, तो परिधि रिएक्शन करेगा, केंद्र जो है स्थिर रहेगा। और इन सब के पीछे कोई प्रेरणा होती है, वह प्रेरणा ही चेतन तत्व को अलग से स्थापित करता है। यही अध्यात्म का और विज्ञान का अंतर अभी है स्पष्ट। विज्ञान तो उसी में प्रेरणा मान लेता है कि यह जो है प्राकृतिक ही है और यह मान लेता है कि यह उसी तत्व में विद्यमान है। वेदांत भी यही कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है, तंत्र भी यही कहता है, ये सभी यही कहते हैं कि नहीं, उसमें उसकी जो विद्यमानता है वह तो है, परंतु वह चेतन तत्व इस सर्वथा प्राकृतिक तत्व से कुछ भिन्न है।
वह उसकी प्रेरणा के रूप में तो मौजूद है, उसकी सार्वभौमिकता से कोई इनकार नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, तो ये पूरा जगत जो है वो ईश से, ये ईश के निवास से भरपूर है। तो यह तो उपनिषद भी कहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ईश्वर की जो सृष्टि है यह उनके संकल्प शक्ति का ही परिणाम है, और जितने भी जो रचनाएं जो दिख रही हैं पदार्थ का, यानी ये बॉडी, ये तरह से बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे क्वार्क्स वगैरह होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स माने गए हैं फिजिक्स में। और इनको प्रेरित करने वाले जो फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह जो भी हैं फोर्सेस, स्ट्रांग और वीक फोर्सेस जो हैं, ये सभी जो फोर्सेस हैं, ये शक्तियां हैं जो कि वो एक तरह से कैरियर का काम करती हैं, प्रभावित करने का काम करती हैं। लेकिन इनका स्फुरण, इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इनके पीछे जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत के तहत रिएक्शन होगा, किस ज्ञान के तहत रिएक्शन होगा, वह ज्ञान कहाँ पर है उनमें, यह एक बात है। जैसे कि कोई फोटोन है तो वह जो प्रकाश की जो किरण है, उस किरण प्रकाश का जो कण है, जो सबसे सूक्ष्म कण है जो फोटोन कहलाता है, आखिर वह किस गुण के आधार पर और किस फार्मूले के आधार पर किसी के साथ रिएक्शन करता है, तो वह ज्ञान उसमें कहाँ निहित है। तो उस ज्ञान को ही यहाँ चेतना कहा गया है, और उसके लिए ही अध्यात्म प्रयासरत है। तो इस तरह से जो सत्ता मानी जाती है वो ऐसी ही मानी गई है कि प्रेरणा वहां से आएगी, और जो है ये जो शक्ति है वह शक्ति जो पदार्थ हैं उसे संचालित क्रियान्वित करेगी, और शक्तियां आपस में रूपांतरित होती रहेगी, और कोई चीज किसी में रूपांतरित हो जा सकती है किन्हीं शर्तों के साथ। तो इसमें इतना ही। अब आगे हम लोग फिर देखेंगे कैसे और आगे भैरव और भैरवी क्या कहते हैं। इसके बाद तो भैरवी उवाच ही है, तो यहाँ तक तो भैरव उवाच था, यानी भैरव कह रहे थे भैरवी को। तो आज इतना ही।